वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान इन्फो। आज की वीडियो में देखेंगे दो परचेज के इनवाइसेस और इसकी एंट्री करेंगे। और ये एक नई टैली है, नई कंपनी है जिसमें कोई भी लेजर अभी नहीं है। तो हम परचेज का जो पार्टी है उसका लेजर क्रिएट करेंगे, परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे, CGST SGST का लेजर क्रिएट करेंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे। आई होप सो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उन सबके लिए जो नए भी हैं, जो एंट्री नहीं करते हैं, जो भी काम नहीं करते। फाइन, अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चेकआउट कर लो। टैली सीरीज़ की 3 वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और ये रही दोनों इनवाइसेस जिसकी हम एंट्री करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा वाउचर। हम वाउचर ओपन करेंगे। फाइन, अब देख सकते हैं यहाँ पे हम राइट साइड में हम कंट्रा पेमेंट रिसीव जनरल सब एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले हमें F9 प्रेस करना पड़ेगा। F9 से हमारा आता है परचेज का वाउचर। अब देख सकते हैं हमारे पास कोई लेजर भी नहीं है, तो हमें प्रेस करना पड़ेगा F9। अब देख सकते हैं परचेज का वाउचर आ गया है। यहाँ पे इनवाइस नंबर डाल देते हैं 1234। डेट नहीं लेगा क्योंकि ये एजुकेशनल मोड का टैली है, तो सॉरी डेट का यहाँ पर नहीं लेगा, तो डेट का हम छोड़ देते हैं। एंड पार्टी का नेम, पार्टी नेम भी हमारे पास नहीं है, सिर्फ दो ऑलरेडी कैश और सोनू का दो हमारे पास लेजर है। तो हम पार्टी को क्रिएट करेंगे जो हमारी अमित है, अमित प्राइवेट लिमिटेड। सो हम प्रेस करेंगे Alt+C, तो ये हमारा लेजर स्टार्ट हो गया है, अमित प्राइवेट लिमिटेड। अमित प्राइवेट लिमिटेड से हम परचेज करते हैं तो ये हमारा आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम माल खरीदते हैं वहाँ से। फाइन, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर दो है यहाँ पे, तो हमारा होगा सन्ड्री क्रेडिटर। सिंपली हम इंटर कर देंगे। एड्रेस है तो एड्रेस डाल देंगे, एड्रेस है, GST नंबर है, जो भी डिटेल होगी हम वो फिल कर देंगे। फाइन, तो ये हमारा लेजर बन चुका है, पार्टी का लेजर तैयार हो चुका है। अब हमें माल खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। बिल कितने परसेंट की वो भी हमें देखना पड़ेगा। Alt+C से फिर लेजर क्रिएट करेंगे। परचेज 12%, ये 12% की इनवाइस है, तो 12% का लेजर, परचेज लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली हम Alt+C से आ गए लेजर में, परचेज GST 12%, 18% का हो तो 18%, 28% का भी हम आगे भी बनाएंगे लेजर, तो ठीक है, हम देखेंगे। परचेज GST मतलब कि परचेज GST 12% की, 12% वाली इनवाइस हम खरीद के ला रहे हैं, इसलिए परचेज में हम 12% लेंगे और अंडर में रहेगा परचेज अकाउंट नॉट अप्लीकेबल। सिंपली हम एंटर कर देंगे, ये हमारा लेजर परचेज का लेजर बन चुका है। एक्सेप्ट करा देंगे एंटर से, ये परचेस हो गया। फाइन, अब इनवाइस देख लेंगे अमाउंट, तो 20,000 का है बिफोर टैक्सेबल, ये टैक्सेबल अमाउंट है, ठीक है, टैक्स लगने से पहले 20,000। अब 6% CGST, 6% SGST, तो Alt+C से हम क्रिएट करेंगे लेजर इनपुट लगा के, क्योंकि परचेज कर रहे हैं, तो इनपुट CGST 6%, जब बेचेंगे माल सेल करेंगे तो आउटपुट लगेगा, तो यहाँ पे भी इनपुट CGST 6%। इंटर करेंगे, इसका अंडर ग्रुप आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो हमें ड्यूटी एंड टैक्सेस अंडर लेना पड़ेगा। अदर है GST, तो हमारा ये GST के अंडर में आता है ड्यूटी एंड टैक्स, तो हम GST ले लेंगे। टाइप हमारा है सेंट्रल टैक्स, CGST। अब हम परसेंटेज लगाएंगे 6%, क्योंकि अलग अलग परसेंटेज का हम ख़रीदारी करेंगे तो अलग अलग परसेंटेज में सेलेक्ट करना पड़ेगा, टैक्स बनाने में इजी होगा। सिंपली एंटर कर देंगे, ये हमारा एक लेजर तैयार हो गया है। हम यहाँ पे टैक्स का अमाउंट डाल देते हैं, हम देख सकते हैं इनवॉइस पे। सिंपली 1200 हम डाल देते हैं, इंटर करेंगे। अब हम इनपुट SGST का लेजर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास नहीं है, एक बार बन जाएगा फिर बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनपुट SGST 6%, ये
ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में सेम तरह ये भी रहेगा, जीएसटी हो गया 6%, ये भी रहेगा। तो सिंपली हम इंटर करा देंगे, ये भी हमारा एक लेजर बन चुका है। सिंपली बहुत सिंपल लेजर क्रिएट करना, जहाँ से भी एंट्री करेंगे अल्ट सी से क्रिएट कर सकते हैं लेजर। सिंपली एसजीएसटी सेलेक्ट करेंगे 6%, एंटर। दोनों लेजर बन चुका है, हम दोनों का अमाउंट फिर से डाल देते हैं 1200 का टैक्स हम दोनों पे लगाएंगे। अब हमारी टोटल टैक्सेबल आफ्टर टैक्स हमारी टोटल वैल्यू आ गई है, अब देख सकते हैं इनवाइस में 22400। तो ये एंट्री हमारी सही है, सिंपली हम इंटर करा देंगे। नरेशन कुछ लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं, फाइन। ये दूसरी एंट्री, अब दूसरी इनवाइस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इनवाइस नंबर डालेंगे, कोई भी एंट्री करते समय सबसे पहले इनवाइस नंबर और डेट हम डालते हैं। अब दूसरी नंबर पे इनवाइस, अब देख सकते हैं इनवाइस नंबर डालेंगे। एजुकेशनल मोड है इसलिए हम डेट पे फोकस नहीं करेंगे, डेट आप अपने हिसाब से डेट डाल सकते हैं। अगर लाइसेंसिंग टैली होगी तो कोई भी डेट डाल सकते हैं, फाइन। इनवाइस नंबर हो गई, पार्टी नेम, नया पार्टी नेम है तो नया फिर क्रिएट हमें करना पड़ेगा, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा नया पार्टी है जहाँ से हम माल खरीदते हैं, फाइन। तो ये भी हमारा संडे क्रेडिटर के अंदर आएगा क्योंकि हम माल खरीदते हैं वहाँ से, ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी होती है करंट लाइबिलिटीज के अंदर, संडे क्रेडिटर। सिंपली इंटर करा देंगे, अगर एड्रेस डालना है तो एड्रेस हम डाल सकते हैं, जीएसटी नंबर डालना चाहते जीएसटी नंबर हम डाल सकते हैं अगर पार्टी है तो। अब देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी नंबर है इनवॉइस में, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये फॉर्मेट होता है कोई भी लेजर, किसी पार्टी का लेजर क्रिएट करने का, सिंपल है। आप एक दो बार करेंगे तो ईजिली फिर आराम से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा पार्टी का नाम अंडर, फिर उसके बाद एड्रेस जो भी होगा एड्रेस डाल सकते हैं, फिर उसका जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, पैन नंबर है तो पैन नंबर डाल सकते हैं। पैन नंबर ये सब मैंडेटरी नहीं, बट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, फाइन एंट्री कर सकते हैं हम। अब हम आते हैं परचेज का लेजर, ये हमारा 28% की परचेजिंग इनवाइस है, तो हमें एक नया लेजर बनाना पड़ेगा। अगर 12% का होता तो हमारा ऑलरेडी लेजर बना हुआ है, तो अल्ट सी से नया लेजर क्रिएट करेंगे, परचेज जीएसटी 28%, परचेज जीएसटी परसेंट, इंटर। ये भी हमारा आएगा परचेज अकाउंट के अंदर, सिंपली इंटर करा देंगे। ये मेरे लेजर बन चुका है हमारा। अब हम अमाउंट डाल देते हैं जो टैक्सेबल अमाउंट है 10,000, फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पर टैक्स लगाते हैं 14% का हमें एसजीएसटी सीजीएसटी लेजर बनाना है, फाइन। अल्ट सी से हम क्रिएट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी 14%, सिंपली इंटर करेंगे। ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी 14%, सिंपल वही प्रोसेस है, सिंपल इंटर हम कर देंगे। ये भी हमारा लेजर बन चुका है। अब हम टैक्स डाल देते हैं 10,000 पे 14%, हमारा आएगा 1400। अब एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा हमें, सिंपली अल्ट सी सेम फॉर्मेट, इनपुट जीएसटी 14%, इनपुट एसजीएसटी 14%, ड्यूटी एंड टैक्स के अंडर में आएगा एंड जीएसटी एंड 14%, सिंपल प्रोसेस। आप कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ज़रूर हेल्पफुल होगी आपके लिए। ये हुआ हमारा लेजर क्रिएट, हम टैक्स डाल देते हैं फिर से 1400 हमारा टैक्स हो जाएगा, सिंपल प्रोसेस है। ये एक विदाउट इन्वेंट्री की परचेस एंट्री है। आने वाली वीडियो में मैं इन्वेंट्री के साथ परचेस एंट्री करूँगा, जो कि मे बी हेल्पफुल हो आपके लिए। प्रोसेस सेम होगा, बस इन परचेस की जगह हम जो गुड्स खरीदेंगे उसकी एंट्री करेंगे, उसका लेजर बनाएंगे, सिंपली इंटर कर देंगे। ये हमारी दो एंट्री कंप्लीट होगी। अब एंट्री होने के बाद हम एंट्री को कहाँ से देख सकते हैं, सिंपली हम आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, अकाउंट बुक में शॉर्टकट ए है, शॉर्टकट पी परचेस रजिस्टर,
सेल परचेज रजिस्टर दोनों यहाँ पे है, दोनों की एंट्री देख सकते हैं। तो परचेज में देख सकते हैं हमने दो एंट्री आज की है, लास्ट वीडियो में हमने एक एंट्री की थी। तो आप देख सकते हैं अमित प्राइवेट लिमिटेड और एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड दोनों की एंट्री यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ से भी परचेज की एंट्री कर सकते हैं। अल्ट ए प्रेस करेंगे तो हमें हमारा वाउचर परचेज का खुल जाएगा। देख सकते हैं सेम वही सारी एंट्रियाँ हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट होगा, कुछ ना समझ में आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में सेल की एंट्री के साथ। हमारे पास अभी लेजर नहीं है सेल का, इनवाइस नहीं है सेल की, तो हम नए तरीके से हर एक चीज़ को क्रिएट करके सेल की एंट्री करेंगे। उसके बाद हम टैक्स भी बनाएंगे, टैक्स पे करेंगे।